बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। તમે જોઈ શકો છો ચંદ્રયાન 3 લેન્ડિંગ થવાની ખુશીમાં અત્યારે વરસાદ પણ આવ્યો છે। જોઈ શકો છો તમે દેશ ગેટ પર ખુશી મનાવી રહ્યો છે ચંદ્રયાન 3 ના। ચંદ્રમા કે દર્શન કે ધ્રુવ પર પહોંચા હે પર વો હે ભારત। તો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી ચંદ્રયાન 3 ચંદ્રની ધરતી ઉપર લેન્ડિંગ થઈ ગયું છે ને પૂરો દેશ એકદમ ખુશીઓ મનાવી રહ્યું છે। જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ 140 કરોડ દેશવાસીઓ માટે એકદમ ગર્વની વાત છે આજે ફ્રેન્ડ્સ। और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। તમે જોઈ શકો છો ચંદ્રયાન 3 લેન્ડિંગ થવાની ખુશીમાં અત્યારે વરસાદ પણ આવ્યો છે। વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકો છો તમે। शाली बल को अपनी आंखों में कैद कर देख सकते हैं ये वो पल जब भारत ने पहली बार चांद पर कदम रखा। भारत का तिरंगा शान चांद पर लहरा रहा, चांद से लेकर हर जय हिंद गूंज रहा। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं जीवन अन्य हो जाता। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल જોઈ શકો છો તમે દેશ ગેટ્સમાં ખુશી મનાવી રહ્યો છે ચંદ્રયાન 3 લેન્ડિંગ ઉપર સફળ લેન્ડિંગ થયું છે એકદમ। અને આપણે 140 કરોડની આબાદી અત્યારે ઘરે ઘરે એકદમ બધા ખુશીઓ મનાવી રહી છે સફળ લેન્ડિંગ બદલ। हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं इसरो चीफ को और इसरो चीफ से हमारे सहयोगी आसिफ मुश्ताक ने बात की है, सुनिए। चंद्रमा के दर्शन के ध्रुव पर पहुंचा है पर वो है भारत। इसी पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी। सर हिस्ट्री बना दी, हिस्ट्री बना दिया है आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड किया है।
खुशी की बात है ना। चीफ के बयान से साफ झलक रही है, उन्होंने बताया कि हमने इतने टेस्ट किए, कोई कमी नहीं छोड़ी, और यही एक वजह है कि आज हिंदुस्तान ने अपना नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया। भारत ने वो कर दिखाया है जिसे हासिल करने अमेरिका और रूस भी पीछे, भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी इस रिपोर्ट के जरिए। चार पर भारत की कामयाबी का जय हो। इसरो की हाथ जम गए, कम लागत में अद्भुत और बड़ा इसरो के वैज्ञानिकों की पहचान बन गई है।